हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ दो हॉस्पिटल है। एक हॉस्पिटल में हम मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों को रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करते हैं, और दूसरा जो हॉस्पिटल है वहाँ मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों को बिना रिश्तेदार भर्ती करते हैं। हमारा मिशन है कि सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि विटामिन डेफिशिएंसी जो है, स्पेशली B1 की, B1 विटामिन जो है उसकी डेफिशिएंसी से मानसिक बीमारी कैसी होती है, मानसिक लक्षण कैसे दिखाई देते हैं, उसके बारे में। क्या होता है कि हमारे शरीर को हर तरह के विटामिन की जरूरत होती है, और उसमें मेनली जो है वो विटामिन A, B, C, D, E और K, ये मेन विटामिन है। ये जो बी है, ये बी कॉम्प्लेक्स है, मतलब उसमें काफ़ी सारे विटामिन हैं, B1 से लेके B12 तक। और उसमें B1 जो है, विटामिन B1, वो बहुत महत्व का है। क्या होता है कि विटामिन B1 हमारे शरीर की पूरी संस्था जो है ये चलाने के लिए B1 का बहुत रोल है, बहुत बड़ा हाथ है। होता क्या है कि हमारे शरीर में B1 का जो मतलब उसकी जो मात्रा है वो है 2.5 टू 7.5 माइक्रोग्राम पर डीएल, पर डेसीलीटर, इतनी होना चाहिए। मगर होता क्या है कि वो कम होने से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में आती रहती है। क्या होता है कि B1 जो है, विटामिन B1, वो ब्रेन में एसिटिल कोलिन तैयार करने के लिए काम में आता है। तो यदि B1 नहीं है तो ब्रेन में एसिटिल कोलिन का कोलिन की मात्रा कम हो जाती है, और उससे मेमोरी लॉस होता है, याददाश्त कम हो जाती है। और फिर लोग बोलते हैं हमारी याददाश्त कम होगी, याददाश्त कम होगी। स्पेशली जो शराब पीते हैं उनमें तो ये बहुत ज़्यादा दिखाई जाता है, क्योंकि शराबी लोगों में जो बी कॉम्प्लेक्स है उसकी कमियाँ हो जाती है। उसमें B1, B6, B12, ये तीनों भी डिफिशियंसी होती है, उसमें B1 ज़्यादा होता है डिफिशियंट, और उसमें मात्रा उनकी कम होने से उनको याददाश्त निकल जाती है, याददाश्त नहीं रहती, भूल जाते हैं। वैसे जो B1 जो है वो B1 कम होने से सीजर्स, मतलब झटके आ सकते हैं। अब झटके यदि आ गए तो झटके के लिए, मतलब एपिलेप्टिक फिट यदि आती है उसके लिए हम दवाई देते हैं, फिट कम करने के लिए। जो दवाई फिट कम करने के लिए, उससे B1 से मात्रा कम हो जाती है B1 की, और उससे और प्रॉब्लम आ जाती है। B1 कम होने से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता, उसके लिए हम दवाई देते हैं तो वो दवाई से फिर से B1 कम हो जाता है। B1 जो विटामिन है वो डिफिशियंट होने से मसल्स में फटीग, मतलब बहुत थकान, जो अपने मसल्स जो है स्नायु, उसमें बहुत थकान आ जाती है, फटीग हो जाती है, और हमको लगता है ये क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम हुआ क्या। तो मसल में फटीग, थकान, बहुत थकान आना, जल्दी थक जाना, और मसल में दर्द भी होते रहता है, पूरे बदन के ऊपर सूज आती है। सूज कम करने के लिए हम यदि डायुरेटिक देते हैं तो वो दवाई से फिर और B1 की मात्रा कम हो जाती है। मतलब एक विशेष साइकिल तैयार हो जाता है कि जिसमें आप उसका इलाज करते जाओ और B1 की मात्रा कम करते जाओ। सबसे बेहतरीन इसका यह है कि B1 का अपने शरीर में ज़्यादा मात्रा में अंदर जाना जरूरी है। और वो कौन से फूड में है, कौन से अनाज में है? एक तो ग्रीन टी में B1 अच्छा है, फिर मशरूम्स है, फिर बीन्स है, लेंटिल्स उसमें है ज़्यादा, अनपॉलिश राइस में ज़्यादा है, सब तरह की हरी सब्जी जो है उसमें B1 ज़्यादा है। तो ऐसे काफ़ी सारे जो अपने फूड पार्टिकल, मतलब फूड जो है अपना, अनाज जो है उसमें B1 रहता है, वो ज़्यादा मात्रा में खाना जरूरी है। और यदि हम उसका टेस्ट करते और ब्लड में यदि कम पड़ा तो उसका बाहर से गोलियां लेना B1 की, या B1 के इंजेक्शन लेना, मतलब B1 थायमिन जो है वो थायमिन डिफिशियंसी सिंड्रोम ही हो जाता है, वो थायमिन डिफिशियंसी सिंड्रोम। और स्पेशली B1 के इंजेक्शन आते हैं, और B1 के इंजेक्शन लेके वो उसकी मात्रा जो है शरीर में वो हम ठीक कर सकते हैं, और जो मेमोरी लॉस हुआ है वो भी ठीक हो जाता है। कभी बार ऐसा हो जाए कि मेमोरी लॉस होने से उसको समझता नहीं कि अपन कहाँ हैं, भूल जाते हैं, ओरिएंटेशन नहीं रहता उसको, ऐसा कुछ तो भी दिखाई देता है सामने, कि भाई कुछ तो भी सामने दिखाई दे रहा है, जब उसको हेलुसिनेशन बोलते हैं या इल्यूजन्स हो जाते हैं, और फिर काफ़ी सारी उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो B1 का टेस्ट करना, और अल्कोहलिक में तो होता ही होता है, समझ के चलो ये B1 की मात्रा कम होना, और अल्कोहल में इसलिए हम तो रूटीनली अल्कोहलिक यदि पेशेंट आता है, शराबी पेशेंट आता है, तो उसको B1 के इंजेक्शन हम दे ही देते हैं। तो इस तरह का ये B1 है,
जिसका बहुत सारा क्लोज कनेक्शन दिमाग से है। इसलिए मैंने स्पेशली ये वीडियो तैयार किया लोगों के बोलने के ऊपर कि भाई B1 का रोल क्या है, और स्पेशली उसका रोल मेमोरी में है ज़्यादातर। वो जो B1 जो है वो क्या करता है कि न्यूरॉन्स के ऊपर जो शीथ है, कवर जो है, वो कवर तैयार करने के लिए, न्यूरॉन्स के ऊपर का कवर शीथ, उसमें B1 का रोल है। अब B1 डेफिशिएंट रहा, B1 कम रहा थायमिन, तो न्यूरॉन के ऊपर का जो शीथ है वो कम हो जाता, मतलब वो तैयार नहीं होता बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो न्यूरॉन है, ब्रेन्स के जो न्यूरॉन्स रहते हैं, वो जो अपने पूरे शरीर में भी है, वो खुले हो जाते, नेकेड हो जाते, नग्न हो जाते, उनको कवर नहीं है, और उसमें फिर अंगार हो जाती है पूरे बदन में। तो पूरे बदन में अंगार होना, हाथ पैर में अंगार होना, वो भी शुरुआत उसके हो जाती है। तो B1 ज़्यादा यदि दिया कुछ थोड़ा बहुत तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मगर ऐसी कुछ बीमारी है तो ज़रूर B1 लीजिएगा और B1 से अपना इलाज ठीक करवाएगा। तो ये ज़रूर वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, उसके बाद में जो घंटी आती है ना उसको आप उसके ऊपर हिट करो, ताकि मेरे वीडियो आपको सबसे पहले आ जाएंगे। आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करो, और आपके संपर्क में काफ़ी सारे लोग होंगे कि जिनको ऐसी प्रॉब्लम जो अभी मैंने बताई वो है, तो उनको वो शेयर करो ताकि उनको भी उसका फ़ायदा हो जाएगा। और हमारा जो मिशन है कि सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य, व्यसन मुक्त भारत, उसमें आपका हाथ लग जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।